हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शायद कुछ ही लोगों को यह पता होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सत्य कथा है। बात है 1600 ईस्वी की और यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं, मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किले जाने से साफ मना कर। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुँची तो बहुत बुरी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आपको एक करिश्माई व्यक्ति लगता है, कोई करिश्मा करके। तुलसीदास ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं जो आपको कोई करिश्मा दे। अकबर ने सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर चार कोठों में डाल दिया जाए। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किए रोते जा रहा और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे हैं। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाए। सुंदर सुंदर कथाओं के लिए जो हमारे पुराणों में वर्णित